नमस्ते और स्वागत है आपका yatradham.org। आइए हमारे साथ भारत के प्राचीनतम और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक हरिद्वार की यात्रा पर, जो चार धाम का प्रारंभिक स्थल है। यहाँ आप सड़क, रेल, हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। अगर आप यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं तो हरिद्वार बस स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पर हमारे पास आपके लिए विश्राम करने का सबसे अच्छा आवास स्थल है, जिसकी बुकिंग आप yatradham.org से कर सकते हैं, जो है स्वामी माधवदास धर्मशाला, जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से भी करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड वाले कमरे की सुविधा उपलब्ध है। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये 2 बेड एसी कमरा है, जिसमें आपको 2 सोफा, 1 टेबल, 1 LED TV, अलमारी, अटैच टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है। अब ये जो कमरा आप देख रहे हैं वो है 3 बेड वाला एसी कमरा, जिसमें आपको अलमारी, 1 कुर्सी, 1 टेबल की सुविधा उपलब्ध है। अब आप देख रहे हैं 4 बेड वाला नॉन एसी कमरा, जिसमें आपको डबल बेड वाले 2 बेड, 1 कुर्सी, 1 टेबल, 1 अलमारी, अटैच टॉयलेट बाथरूम की सुविधा उपलब्ध होगी। और धर्मशाला से थोड़ी दूरी में ही आपको परिवहन सुविधाएं और भोजन भी पास में ही मिल जाएगा। स्वामी माधवदास धर्मशाला से नजदीकी स्थानों में आप हर की पौड़ी, भीमगोड़ा कुंड और मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। और अगर आप हरिद्वार में अपनी चार धाम यात्रा की शुरुआत करने आ रहे हैं, तो हमने हरिद्वार से चार धाम यात्रा कब और कैसे शुरू करें, कहां रुके, कैसे पहुंचे आदि जानकारी के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक यात्रा धाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।